मैंने कहीं पढ़ा था फेलियर्स टीचेज अस मोर देन सक्सेस विल। तो आज की ये कहानी इसी लाइन के ऊपर। तो इस बार हम जाने वाले थे माउंट यूनम पीक। माउंट यूनम पीक इज अ रेयर 6000 हिमालयन ट्रैकेबल पीक जो कि एक स्टोक कांगड़ी की फील दे सकता है आपको। यूनम पीक 3 से 4 दिन भी में भी किया जा सकता है और ये एक बहुत ज़्यादा हाइट पर है। तो हमारे साथ क्या होने वाला था वो आपको आगे ही पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी को। तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी दिल्ली से, लेकिन उससे पहले मैं आपको मिलाता हूँ हमारे ट्रैक मेंबर्स से। ये हैं नितिन, अगर आपने मेरी हर की धुन सीरीज़ देखी है तो वहीं पर ये मेरे को मिले थे और परफेक्ट माउंटेनर बनने जा रहे हैं, बीएमसी करने के लिए चले गए हैं। और ये हैं सूर्य। सूर्य ने अपनी जॉब छोड़ के प्रॉपर माउंटेनर बन गए हैं ये भी। ये हैं ईवा। ईवा ने भी फुल टाइम ट्रैकिंग का ही सोचा हुआ है। एंड ये हैं हर्षित जो कि बहुत ही स्वीट बंदे, 21 इयर्स ओल्ड और अभी कॉलेज में ही हैं और ट्रैकिंग की फील्ड में नेक्स्ट लेवल जाने वाले हैं। ग्रुप में एक ऐसे बंदे होते हैं ना जिन्हें सिर्फ जॉब की स्ट्रेस होती है, तो ये हमारे साथ थे। इनका नाम है हार्दिक। तो ये भी पूरे टाइम सिर्फ ऑफिस के इश्यूज गिनाने में रहे। दिल्ली से 10 से 12 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचे मनाली, और मनाली में एक क्यूट सा कैफे में खाना खाया एंड उसके बाद हम निकल गए रेंट का सामान लेने के लिए। तो कैंपिंग का सामान रेंट करने के लिए अंदर जा रहे हैं और 4 दिन एटलीस्ट चाहिए होंगे, 3 या 4 दिन, बाकी देखते हैं कैसा होगा। फूड लेने के लिए उसके बाद हमने ली मनाली से केलोंग के लिए बस, जिसमें हमें 2 से 2.5 घंटे लगने वाले थे। एंड वहां के नज़ारे तो केलोंग रुक गए और यहाँ पे अभी चल रहे हैं, थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे और मस्त सी जगह पे रुके हैं। एक रूम है, बिल्कुल हॉस्टल वाली फील आ रही है और आज यहीं पे स्टे करेंगे और सुबह सुबह के लिए निकलेंगे फिर। अभी बज रहे हैं 4:30 और बस में निकल रहे हैं भरतपुर। आई थिंक 2.5 घंटे तक लगेगा ज़्यादा रास्ता। और भरतपुर जाके हमने सोचा है कि वहाँ पे रेस्ट करेंगे या एक्लोमेटाइज होंगे या फिर एक लेक है वहाँ पे भी जा सकते हैं। और आज पूरा जैसे एक्लोमेटाइज होके रहना है क्योंकि ऐसे डायरेक्टली हम बेस कैंप नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट गेन हो जाएगा, बाकी देखते हैं कैसा है। और यहाँ से बहुत सीनिक रूट आने वाला है। यूनम का बेस कैंप भरतपुर में होता है जो कि मनाली से ले के रास्ते में पड़ता है, और मनाली से ले के रास्ते तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप पीछे देख रहे होंगे यहाँ पर भरतपुर कैंप में हम पहुँच गए हैं और अभी थोड़े थोड़े से ऐसा है कि यहाँ पे हाइट काफ़ी ज़्यादा है तो यहीं पे खाना वगैरह खाएंगे, रेस्ट करेंगे। और किसी ने बोला कि बेस कैंप तक जाओ, किसी ने बोला कि एक छोटी सी लेक है वहाँ तक चले जाओ, तो होपफुली
ओके, हम बाकी यहाँ से कंफर्म करते हैं कि कैसे हमें जाना है। और वीडियोस वगैरह हमने देखी थी, वहाँ भी ये है कि आपको एक्लेमेटाइज होना है, क्योंकि एक छोटे से स्पैम में ही, एक छोटे से इतना कम टाइम में ही जो है इतना ज़्यादा एल्टीट्यूड गेन होने वाला है। सो आपको रेस्ट ले लेकर ही ये एक्सपीडिशन करना होता है। और आप अगर डायरेक्टली जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन आप एक 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 स्लो ट्रैवल करके जाएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मैंने 16,000 ऑलमोस्ट 16,000 तक किया हुआ है, तो अब एज अ डायरेक्टली 21,000 तक जाना है तो लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो इसलिए अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं। और होपफुली के यहाँ पर रुक के और रेस्ट लेके, ये पीछे वाला ही जो है ये यहीं से ही हमें चढ़ना है और बेस कैंप में कैंप कर सकते हैं हम। और हमने टेंट्स वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ अपना ही लेके आए हैं, लेकिन भरतपुर कैंप तक हमें ऐसा होगा कि काफ़ी कुछ खाना हम यहीं से ही ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेड्स हैं। और इन्होंने बोला, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने बोला कि हम बेड्स पे ही सोते हैं, किसी को स्लीपिंग बैग में सोने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इसलिए ऐसा है। और अगर हम बेस कैंप में रुकते हैं तो हम वहाँ पर टेंट पिच करेंगे। बाकी स्लो ट्रैवल हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैकिंग कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है ऐसे, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। और अभी थोड़ा वेट करेंगे और बाकी देखते हैं कि अगर लेक पे जाएं तो बढ़िया। क्या मूड है, क्या खोल रहा है, क्या क्या मूड है लड़को, हाउस द दोस्त, कैसा लग रहा है? तो आज आगे थक जाएगी। अभी हमने प्लान बनाया है कि हम एक यूनम सो करके है, मतलब एक छोटी सी लेक होगी, वहाँ पर एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो 3-4 घंटे लगने वाले हैं हमें, तो 3-4 hours लगने वाले, देखते हैं बाकी क्या होता है। कि इससे ये रहेगा कि हम काफ़ी हद तक मतलब बॉडी अडेप्ट कर लेगी यहाँ पे, एकदम डायरेक्टली इतनी हाइट पर पहुँच गए तो डिफ़िकल्टीज हो रही हैं, बाकी देखते हैं कैसा होता है। ज़्यादा चल चुके हैं और यहाँ पर मस्त वाली सांस फूल रही है, बहुत सारे लोग पीछे हैं, मतलब 3 जने हम आगे आ गए और बाकी पीछे हैं। बहुत ही प्यारा है लेकिन यहाँ पर, और जैसे कि हमने कोई गाइड वगैरह नहीं किया हुआ तो हम मोबाइल ऐप से कर रहे हैं, रास्ता खुद ही ढूंढ रहे हैं, तो देख रहे हैं मतलब कहीं अलग लेवल पहुँच रहे हैं भाई। ओके, तो ये हम पहुँच चुके हैं इस लेक पे, बहुत ही सुंदर लेक है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी ट्रैवलर ने या ट्रैकर ने ये अभी तक दिखाई होगी, और ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा सा रास्ता दूसरी साइड चला गया। और यहाँ पर भाई साहब मानना पड़ेगा, ये जो सांस फूलती है ना यहाँ पे, अलग लेवल, अलग लेवल, डिफरेंट लेवल पे, लेकिन बहुत ही सुंदर है ये लेक, बहुत ही सुंदर है, मतलब ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, बट दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल सीरियसली। उसके बाद हम वापस आए और वहां से हमारी सबकी तबीयत खराब होने लगी, क्योंकि कंटिन्यूसली 8 hours की ट्रैकिंग के बाद सबको AMS के सिम्टम्स आने लगे। बस फिर सब ने डिसाइड किया कि शायद हमें बैक ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालना था। फर्स्ट टाइम ऐसे ट्रक पे हिचहाइक करके जा रहे हैं, और यहाँ से हम किलोंग जाएंगे, फिर किलोंग से मनाली लेने निकल जाएंगे। होपफुली मनाली में अगर होता है तो स्टे करता हूँ, तो फिर डायरेक्ट घर। तो इस फील्ड एक्सपीडिशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कि हमें वेट करके एंड स्लोली स्लोली हाइट गेन करनी चाहिए थी, और शायद हमें थोड़ा पेशेंस भी दिखाना चाहिए था। बट नेक्स्ट टाइम के लिए इन्हीं सारी गलतियों से हम सीख कर
शायद इससे भी ज़्यादा टफ कंडीशंस में सर्वाइव करके सक्सेसफुल एक्सपीडिशन कर पाएं।